प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस रिश्ते के साक्षी बने जो भारत और नेपाल के बीच सदियों से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, चेक पोस्ट के विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान तंत्र सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्र में भारत नेपाल संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समक्ष से मुलाकात के बाद कहा, भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंध को हिमालय की ऊंचाई पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बॉर्डर हमारे बीच बैरियर नहीं बने। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप हिट है। कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की है। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमने अब इसी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के अंदर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था जिसमें हाईवे, आईवेज और ट्रांसवेज थे। वहीं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा, मैंने पीएम मोदी को नेपाल आने का सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया है। मैं नेपाल में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। साथ ही मैं पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के साथ सीमा मुद्दों को हल करने का आग्रह करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू की है। वी वेलकम the construction of the Tanakpur link canal and agreed that water will be released from Tanakpur barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC 4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discuss other aspects of the cooperation in water resources including irrigation. We also discuss to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral mechanisms at the earliest to address the issues and find ways. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बिजलपुरा खंड की ई योजना का अनावरण किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मोतिहारी अमलेख गुज तेल पाइपलाइन चरण 2 परियोजना का आधारशिला भी रखा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने गोरखपुर न्यू बुटवल सब स्टेशन 400 केवी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की। भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री की इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली और कुल मिलाकर ये उनकी चौथी भारत यात्रा है। हाल के दिनों में जिस तरह से चीन ने नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाया है और कई मौकों पर भारत के प्रति नेपाल के तेवर भी सख्त हुए हैं, उस माहौल में नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की ये यात्रा
कई मायनों में अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।